हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से कंपोजिशन ऑफ रेल स्टील, जो रेलवे का जो पटरी देखते होंगे, तो उसका जो है क्या क्या कंपोजिशन होता है, क्या क्या उसमें एक्चुअली जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो प्रेजेंट होता है, इससे रिलेटेड डिटेल जो है आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं एक्चुअली जो रेल बनाया जाता है, रेल का ट्रैक का पटरी जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, घेल वगैरह जो है, तो वहाँ पे जो है एक्चुअली रेल बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे जो बनाए जाते हैं रेल स्टील का कंपोजिशन क्या होता है कि कार्बन होता है, उसका एक सर्टेन कंपोजिशन है, जैसे 0.55 से 0.68 तक होता है। इसी प्रकार मैंगनीज का होता है, उसके बाद सिलिकन होता है, सिलिकन के बाद जो है सल्फ़र होता है, और उसके बाद फॉस्फोरस होता है। लेकिन आप ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा एक्चुअली परसेंटेज जो कंपोजिशन होता है वो मैंगनीज का होता है, जो रेलवे का जो पटरी बनाया जाता है उसमें। तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो है आप ध्यान रखें, मैंगनीज प्रेजेंस होता है रेलवे के ट्रैक में। तो आप ध्यान रखेंगे तो कभी कभार जो है ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेल में जो है मैक्सिमम कंपोजिशन किसके प्रेजेंट होते हैं, तो मैंगनीज के प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, तो आप कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर बता सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से रेलवे ट्रैक में जो है जो यूज़ किए जाते हैं कंपोजिशन एलिमेंट का, वो डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, जो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।